दूसरी शादी अभी नहीं की। पीटीआई चेयरमैन के तर्जुमान ने कहा है कि इमरान खान ने बुशरा मानिका को शादी की पेशकश की है। खातून ने शादी के लिए बच्चों समेत खानदान से मशवरे का वक्त मांगा है। बुशरा घरेलू खातून है। शादी की खबर से दोनों खानदानों को तकलीफ पहुंचाई गई। निजी मामले को गलत तौर पर मौजूए सुखन बनाना अफसोसनाक है। मुश्किलात में घिरे सनाउल्लाह ज़हरी की निगाह मदद के लिए नवाज शरीफ पर ठहरी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। बलोचिस्तान हुकूमत और तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा के हमराह जल्द दौरा क्वेटा का भी इम्कान। तहरीक-ए-अदम इस्तेहकाम पर वोटिंग के हवाले से इजलास 9 जनवरी को होगा। हुदैबिया, अजीजिया और दीगर केसेस के तमाम चोर पकड़े जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है, आवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। अगर इमरान खान ने शादी की है तो अच्छा काम किया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। अवामी तहरीक की हुकूमत को दी गई डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। ताहिरुल कादरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीरे कानून राणा सनाउल्लाह के इस्तीफों का मुतालबा किया था। डेडलाइन के बावजूद दोनों ने इस्तीफे नहीं दिए। एपीसी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल 3 बजे लाहौर में होगा। मुमकिन एहतजाजी लाहे अमल तय किया जाएगा। पीर हमीदुद्दीन सियालवी की पंजाब हुकूमत को एक और तंबीह, कहते हैं राणा सनाउल्लाह ने इस्तीफा ना दिया तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज अब 9 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को होगा। ये कैसे मुसलमान हैं जो खत्मे नबुव्वत कानून में तब्दीली पर दस्तखत करते हैं। कुलभूषण भारती मशीर सलामती अजीत दोवल का रिश्तेदार। 92 न्यूज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कुलभूषण ने 2 साल तरबियत ली, फारसी और बलोची जुबानें सीखी। 2004 और 2005 में कराची आया। अलहदगी पसंद और दहशत गर्दों में 41 अरब बांटे। भारत कार्रवाइयां ईरान से छुपाना चाहता था। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण से रॉ के 13 अरकान को फोन करवाएगा। भारतीय नफरत के जवाब में पाकिस्तान की खैर सगाली। 147 भारतीय माहिगीरों को कराची की मलीर जेल से रिहा कर दिया। माहिगीरों को कैंट स्टेशन से लाहौर रवाना किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। अफगानिस्तान के अगवा होने वाले डेप्यूटी गवर्नर बाजियाब। सूबा कुनट के डेप्यूटी गवर्नर काजी मोहम्मद नबी अहमदी को गुज़िश्ता बरस 27 अक्टूबर को पिशावर से अगवा किया गया था। काजी मोहम्मद नबी कुनट में अपने घर पहुंच गए। सिफारती जराए ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। अमरीका पाकिस्तान को छोड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ट्रंप शोर ना मचाएं, बातचीत करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुमकिन सूरत हाल से मुतनब्बे कर दिया। कहा देखना होगा इमदाद रोकने पर पाकिस्तान तआवुन करता है या नहीं। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी रसाई पाकिस्तान किसी भी लम्हे बंद कर सकता है। लगता नहीं ट्रंप के पास असरात से निमटने की कोई पॉलिसी है। डराबुक्ती के इलाके सुई में अमरीकी सदर का खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली। मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को नजर आतिश किया। सखर में बच्चा यूनियन का ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा। अमरीकी सदर की तस्वीर और झंडे को पैरों तले रौंदा गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज कराची में पावर शो करेगी। लियाकतबाद फ्लाईओवर पर जलसे की तैयारियां। फ्लाईओवर के दोनों ट्रैक कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जलसे से टेलीफोनिक खिताब करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी को लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। शहरी ने मुबैना डाकुओं पर कार चढ़ा दी। एक मुबैना मुल्तिम हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। सिंध में पहली मरतबा रेशे के मरीज के दिमाग में पेस मेकर की तंसीब। मोहसिन के पेचीदा ऑपरेशन में सर्जन को चीनी माहरीन की मुआवनत भी हासिल। पेस मेकर के जरिए डिप्रेशन समेत दिमागी अमराज का इलाज मुमकिन। दिमाग में पेस मेकर लगाने से हाथों की कपकपाहट को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकेगा।
امریکہ میں مریخ سے زیادہ سردی، شمالی ریاستوں میں شدید سردی سے اموات کی تعداد 22 ہو گئی۔ نیو ہیمپشائر میں تیز ہواؤں کے باعث درجہ حرارت منفی 75 محسوس کیا جانے لگا۔ بوسٹن میں پارا منفی 11، ورمونٹ اور کنیکٹیکٹ میں منفی 18، فلاڈیلفیا اور نیو یارک میں منفی 13 تک گر گیا۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی بیک وقت لاہور اور دبئی میں افتتاحی تقریب، تینوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس میں تماشائیوں نے شاندار استقبال کیا۔ تقریب میں مختلف اداروں کے خصوصی بچوں کی پرفارمنس۔ ایونٹ میں پہلا میچ کل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا۔ کرکٹر سہیب مقصود دلہا بننے کو تیار، رحیم یار خان کی ہیرا کنول سے شادی طے پا گئی۔ مہندی کی تقریب 12 فروری کو ہوگی، بارات 13 فروری کو جائے گی۔ ولیمہ کی تقریب ویلنٹائن ڈے کے موقع پر 14 فروری کو ہوگی۔ انڈین کرکٹر بھی پاکستانی گانوں کے شوقین نکلے۔ آل راؤنڈر ڈیرن براوو گاڑی میں سفر کے دوران پشتو گانے پر مجھومتے رہے۔ Alistair Cook was dropped, but Nathan Lyon didn't need any assistance with this. ایشز سیریز کے پانچویں ٹیسٹ میں کینگروز کا پلڑا بھاری۔ انگلینڈ نے دوسرے اننگز میں صرف 93 کے مجموعے پر 4 وکٹیں گوا دی۔ مارش برادرز نے سنچریاں داغ کر میچ کو یادگار بنا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز 649 رنز پر ڈکلیئر کی۔ بلی کا بھانجا کہیں کا، خطرناک ترین سمجھے جانے والے جانور پوما کو روسی جوڑے نے گھر میں پال رکھا ہے۔ پوما اپنے مالکوں سے بے حد مانوس ہو گیا، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہر حکم بھی بجا لاتا ہے۔ Guys, this is private property. Sweet. Scared of guard dogs or something? Can we please go? Saying is that our neighbor is a cannibal. Yeah. We gotta go then, check this out. اور ہارر فلموں کے دیوانے ہو جائیں تیار۔ زومبیز پر مبنی خوف اور دہشت سے بھرپور فلم ڈیڈ ٹرک کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔